दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,57,000 से 432 हो चुकी है। मुतासर अफराद की तादाद 58 लाख के करीब पहुंच गई। अमरीका में मजीद 1,535 अफराद जान से गए। अमवात 1,02,107 हो गए। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां अब तक 1,02,107 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि वायरस से मुतासर होने वालों की मजमुई तादाद 17,45,803 हो चुकी है। अमरीका के अस्पतालों और करंतीना मराकज में 11,53,566 कोरोना मरीज जेर इलाज है, जिनमें से 17,166 की हालत तश्वीशनाक है, जबकि 4,90,130 कोरोना मरीज अब तक शफायाब हो चुके हैं। यूरोप और अमेरिका के बाद अब लातिनी अमेरिका मौलिक वायरस की लपेट में आ गया। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर पहुंच गया, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 4,14,661 तक जा पहुंची, जबकि ये वायरस 25,697 जिंदगियां निकल चुका है। मेक्सिको में मजीद 501 अफराद दुखमय अजल बने, हलाकतें 8,134 हो गयी। चिली में मजीद 35 अफराद जिंदगी हार गए, तादाद 841 हो गयी। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 37,460 हो गई, जबकि केसेस की तादाद 2,67,240 हो गई। इटली में कोरोना वबा से मजमुई अमवात 33,072 हो चुकी। फ्रांस में मजमुई हलाकतें 28,596 हो गई। स्पेन में कुल अमवात 27,118 हो चुकी है। जर्मनी में कुल अमवात की तादाद 8,533 हो गई। रूस में कुल अमवात 3,968 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 3,70,680 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद 4,431 हो गई। ईरान में वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 7,564 हो गई, जबकि कुल केसेस 1,41,591 हो चुके हैं। सऊदी अरब में कुल अमवात 425 रिपोर्ट हुई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 78,541 तक जा पहुंची। भारत में कोरोना से 4,534 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,58,333 हो गयी।